बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6, ICND पार्ट 2 और स्पैनिंग ट्री का जनाबे वाला पार्ट नंबर 3, विच इज़ द लास्ट पार्ट। यहाँ पर मुझे ना लिख देना चाहिए था लास्ट। ओके, चलेंगे, आप लोगों के लिए लिख दिया, LASOT। ओके, तो जनाबे वाला ये लास्ट पार्ट है आप लोगों का, और इसके अंदर हम लोग स्पैनिंग ट्री को सारा CCNA के लेवल तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उस चीज़ को कवर अप करेंगे और फिर उसको खैर बात कर देंगे और हमारी जान छूट जाएगी स्पैनिंग ट्री से। मगर जब आप CCNP पढ़ेंगे तो फिर हम मज़ीद स्पैनिंग ट्री की सिक्योरिटी और उस तरह के बिट्स डिस्कस करेंगे, वो जो कि आपके CCNA लेवल में डिस्कस नहीं हुई हुई। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर जनाबे वाला। और स्पैनिंग ट्री, ये कौन सी स्लाइड है? अच्छा जी, स्पैनिंग ट्री का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो अभी तक हमने पढ़ा वो 802.1D था, जो नॉर्मल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था। अगर मेरे पास लाइक इस तरह का नेटवर्क है और मेरे पास एक स्विच और दो स्विच और तीन स्विच लगे हुए हैं, तो जिस तरह ये स्विच ऑन होते हैं तो ये तीन स्टेजेस से गुजरते हैं। वो स्टेज अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद ये तीनों स्विचेज जो से हैं BPDU पैकेट फेंकते हैं, और अगर वो BPDU पैकेट उन्हें दोबारा रिसीव होता है तो वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि नेटवर्क के अंदर लूप है, और अगर नेटवर्क के अंदर लूप है तो वो इलेक्शन शुरू करा देते हैं, और अगर इलेक्शन शुरू हो जाता है तो फिर हम उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा रूट ब्रिज है। ठीक हो गया। तो ये जो जो स्टैंडर्ड इस चीज़ को ड्राफ्ट करता है वो कहलाता है 802.1D। ठीक हो गया। अब इससे हम एक एडवांस लेवल का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जो PVST पर विलियन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होगा, मगर इसकी हम लैब नहीं करेंगे क्योंकि जो मैं आपको उस इससे भी एडवांस एक स्टैंडर्ड है उसकी लैब करवाऊंगा, विच इज़ कॉल्ड 802.1W, विच इज़ रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। स्पैनिंग ट्री पढ़ने से पहले, नॉर्मल स्पैनिंग ट्री हमने पढ़ लिया और हमने उसकी एक लिमिटेशन देखी कि स्पैनिंग ट्री जब चल रहा होता है और उसके एक जो प्राइमरी लिंक होता है वो डाउन हो जाता है तो उसे बैकअप लिंक पे जाते हुए रफली 50 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो स्विच की ना जो सी है वो चार स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये फॉन्ट मुझे कभी कभी बड़ा पसंद है, आपने उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे भी देखा होगा ये लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, ताहा अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं है ये फॉन्ट। ठीक है, कहते हैं ये जोकर लगता है, और वाकई इस फॉन्ट का नाम भी जोकर स्टाइल है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार स्टेजेस हैं पोर्ट की। सबसे पहली पोर्ट है लिसनिंग पोर्ट। ठीक है, जब स्विच ऑन होता है तो सबसे पहले जो भी उसकी पोर्ट का स्टेटस होता है वो लिसनिंग होता है, और वो 15 सेकंड तक लिसनिंग करता रहता है, साथ साथ वो BPDU भी सेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया, साथ साथ उसने BPDU सेंड किए, 15 सेकंड तक लिसनिंग कर रहा है, और इस स्टेटस के अंदर वो टोपोलॉजी का पार्ट नहीं होता और वो कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता। ठीक है, 15 सेकंड तक BPDU सेंड और लिसन करता है। अगर उसे BPDU लिसन हो जाता है तो वो समझ जाता है कि नेटवर्क के अंदर जो से लूप्स हैं और मुझे स्पैनिंग ट्री अब रन करना है। ठीक है, ये एक पोर्ट का स्टेट है। जिस तरह स्विच ऑन होगा तो उसकी पोर्ट सबसे पहले लिसनिंग स्टेट में जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब स्विच ऑन होता है तो वो एम्बर कलर की लाइट ब्लिंक कर रही होती है, वो ग्रीन होने में टाइम लेती है, वो एक्चुअली उसके पीछे ये सारी स्टोरी चल रही होती है। 15 सेकंड के बाद जो है ना वो लर्निंग स्टेट में जाता है। ठीक है, यानी जब उसने BPDU फेंक दिया, लर्न कर लिया, अब उसके बाद 15 सेकंड के बाद जो है वो अब मैक एड्रेसेस लर्न करना शुरू कर देता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस मेरे साथ लगी हुई हैं, उनका क्या क्या मैक एड्रेस है, और अपने पास एक मैक टेबल या हम उसे कहते हैं कैम टेबल बनाता है। ठीक है, यह हमने जब हाउस स्विच वर्क्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, 15 सेकंड उसके ऊपर रहता है, रफली 30 सेकंड हो गया, और उसके बाद वो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाता है और फिर वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। एक और स्टेट यहाँ पे आपको बताता चलो इज नोन एज अ ब्लॉकिंग स्टेट। ब्लॉकिंग स्टेट क्या है कि मेरे पास ये नेटवर्क है। ठीक है, मैंने कहा जी ये रिडंडेंट लिंक है, इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब हुआ ये कि मैं एक और कलर की पेन पकड़ लूँ कि ये लिंक डाउन हो गया। ठीक है, ये लिंक डाउन हो गया। अब जब ये लिंक डाउन हुआ तो इस लिंक को अप होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, उसके के अंदर जो है ये ब्लॉकिंग का टाइमर यूज हो रहा होता है। वो कैसे होता है? जब ये लिंक डाउन होता है तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ना वो 20 सेकंड के लिए वेट करता है। ठीक है, इस पोर्ट को ब्लॉकिंग में ही रखता है 20 सेकंड के लिए। उसकी वजह ये, कभी आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी फ्लैपिंग राउट्स। ठीक है, अगर आपका ये लिंक अगर फ्लैप हो रहा था, डाउन हुआ और फौरन अप हो गया, तो आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को किक इन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नॉर्मली जो है वो 20 सेकंड के लिए इस पोर्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में रखेगा, और जब उसका टाइमर एज आउट हो जाएगा फिर इस पोर्ट को लिसनिंग स्टेट में लेके आएगा। ठीक है, 15 सेकंड लिसनिंग में रहेगा और फिर उसके बाद 15 सेकंड लर्निंग में रहेगा, और फिर इधर से जो क्रॉस का सिंबल है
वो हटा देगा। ये जनाब अब इसने क्रॉस का सिंबल हटा दिया और अब ट्रैफिक यू ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया क्योंकि ये पोर्ट डैमेज हो गया। ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ब्लॉकिंग का टाइमर, ब्लॉकिंग का टाइमर कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पर हमारा लिंक, ये आपकी टोपोलॉजी थी, ठीक है, ठीक हो गया, ये आपकी टोपोलॉजी थी और बीच में क्या हुआ, ये आपका लिंक डैमेज हो गया, चूहा आया, चूहे ने कुतरा और वो काट दिया उसने। ठीक है, जब ये लिंक आपका डैमेज हो जाता है तो क्या होगा? अब आपकी ये पोर्ट अप होनी है, तो ये पोर्ट अप होने का प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले ब्लॉकिंग स्टेट आए, वो 20 सेकंड के लिए इस लिंक को ब्लॉकिंग स्टेट में रखेगा। ठीक है, फिर उसको लिसनिंग में मूव करेगा, 15 सेकंड वहाँ रहेगा, फिर 15 सेकंड। पॉसिबिलिटी है कि 20 सेकंड के अंदर अंदर ये लिंक वापस आ जाता है तो फिर मुझे इधर टोपोलॉजी में लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, टोपोलॉजी यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं, फिर वापस यहीं से ट्रैफिक ट्रांसफ़र करना शुरू कर दे। मगर अगर 20 सेकंड तक ये लिंक वापस आप नहीं आता तो ये समझ आता, हाँ भाई अब ये पक्का बंद हो गया है और अब मैं इसको लिसनिंग में लेके जाऊँगा, 15 सेकंड लिसन करेगा, फिर उसके बाद 15 सेकंड लर्निंग करेगा। तो ओवरऑल जो स्पैनिंग ट्री का कन्वर्जेंस टाइम, कन्वर्जेंस टाइम एक्चुअली वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि नॉर्मली राउटिंग के अंदर यूज़ होता है, मगर टोपोलॉजी कन्वर्ज करने का टाइम जो है वो 50 सेकंड बन जाता है। ठीक है, 30 ही और 20 सेकंड। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि जब हमारे पास प्राइमरी लिंक डाउन होता था तो बैकअप लिंक पे आते हुए उसे 50 सेकंड लगते थे, और हमने फिर उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि 50 सेकंड क्यों गुड नहीं है और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे एक और मसला है हमारा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को एक और टोपोलॉजी, एक और डिज़ाइन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एक और स्पैनिंग ट्री का स्टैंडर्ड। माई पी सी बूट टू फास्ट देन 30 सेकेंड्स। आपका आजकल जो एडवांस पीसीज हैं वो 30 सेकेंड से पहले पहले बूट हो जाते हैं, और 30 सेकेंड क्यों? क्योंकि मैंने पी सी प्लग इन किया, स्विच ऑन हुआ या पी सी ऑन हुआ तो वो पहले लिसनिंग पोर्ट की स्टेट में जाएगा, फिर लर्निंग स्टेट में जाएगा, फिर मेरा पी सी काम करना शुरू करेगा। और बहुत सारे पी सीज आपके नेटवर्क के अंदर कैसे होते हैं कि वो बूट अप होते हैं फास्ट, विद इन 10-15 सेकेंड्स। और बल्कि मैं आपको यह बताता चलूँ, आपके में से किसी के पास अगर एप्पल की मैकबुक या एयरबुक मैकबुक प्रो, ठीक है, और एक एयरबुक भी है मेरे ख्याल में एप्पल की ना, उसको ज़रा आप कभी बूट करके देखना और सिर्फ घड़ी पे टाइम देखना कि कितनी देर लगती है। ठीक है, उसके अंदर जो ये सिक्वेंशियल मेमोरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, आई एम नॉट गोना गो इन टू मोर डिटेल्स, ये ए प्लस के लेवल का टॉपिक है, मगर माइक्रोसॉफ्ट की पीसी को एक जगह पर बूट करना और एक एप्पल की पीसी को, एप्पल मैकबुक प्रो को ज़रा बूट करना विद द फ्लैश मेमोरी, ठीक है, उसकी फ्लैश मेमोरी है, वो सॉर्ट ऑफ सर्किट है, ठीक है, वो रैम की तरह मेमोरी है, वो इतनी फास्ट है। और वो मैकबुक, मैं बड़ा हैरान हुआ मैंने जब देखा, मेरे एक कलीग ने मुझे दिखाया, तो इट्स नॉट 10 सेकेंड्स, लिटरली नॉट 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब उसका उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्विच है, ठीक है, और इस स्विच से ये केबल निकाली और मैंने इन भाई साहब को दे दी, ये बेचारा थोड़ा मार रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब ये स्विच है, स्विच केबल लगी हुई है, मैंने जब ये सुबह आके कंप्यूटर ऑन किया तो स्विच ने सेंस किया जी कंप्यूटर ऑन हो गया, उसने उस पोर्ट को लिसनिंग स्टेज में डाल दिया 15 सेकेंड। ठीक है, अब 15 सेकेंड का टाइमर चल रहा है, टिक 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 टिक। ठीक है, 15 सेकेंड के बाद ये पीसी ऑन हो गया। अब इसने ब्रॉडकास्ट करके डीएससीपी का आईपी एड्रेस लेना था, इसे आईपी एड्रेस ही नहीं मिला क्योंकि हमारे स्विच ने यहाँ से पोर्ट ही नहीं ओपन की। जब पोर्ट ही एनेबल नहीं हुई फिर 15 सेकेंड और लगेंगे, वो लर्निंग स्टेट में जाएगा, फिर उसके बाद फॉरवर्डिंग करेगा, फिर ये दोबारा आईटी हेल्प डेस्क को कॉल करेगा, मेरा पीसी नहीं चल रहा और ब्ला 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 स्टफ। और उसके बाद फिर हमारा बंदा आएगा, वो कहेगा चले अब आप ऐसा करें कि रिवाइज करके देखेंगे इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है या नहीं, जब वो उसको रिपेयर करेगा इंटरफेस को तो उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 सेकंड तक स्विच ने ब्लॉक करके रखा मगर पीसी ऑन हो चुका था, और उसने पीसी ऑन ने होते साथ ही ब्रॉडकास्ट किया, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद उसे आईपी एड्रेस ही नहीं मिला क्योंकि यहाँ से जो ये वाली पोर्ट थी ये तो ब्लॉक पड़ी हुई थी। ठीक है, अच्छा मैंने उंगली रखी हुई थी ऊपर और मैं जहनी तौर पर समझ रहा था कि आप लोगों को समझ आ रही है, वो फिर मुझे ख्याल आया नहीं उंगली नहीं रखनी है यहाँ पे, वो मार्क करके देना। ठीक है, 12, तो जनाबी वाला मसला ये है कि 30 सेकेंड के अंदर माई पीसी बूट सो फास्ट, मोर फास्टर देन 30 सेकेंड्स। ठीक है, और ये तो पोर्ट ब्लॉक होती है जब मेरा पीसी ऑन होता है, उसको ना आईपी एड्रेस मिला होता है, उसको आईपी एड्रेस मिला होता है 169.154, 169 के आईपी एड्रेस को पता है आपको, हम लोग उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, एपीआईपी। ठीक है, एमसीएससी का मेनली टॉपिक है, डोंट आस्क मी एमसीएससी कब पढ़ेंगे। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं, ठीक है, मोर देन 50 ईमेल्स जो सी है वो मुझे लास्ट वीक के अंदर मिली हैं, जिसके अंदर कह रहे हैं सर एमसीएससी एमसीएससी एमसीएससी। ठीक है, आप एमसीएससी का कोई डीएनएस का टॉपिक अपलोड कर दो, ये कर दें। मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता मगर मैं कल वैसे ही रात को बैठा हुआ, तो बहरहाल कहाँ मैं स्टोरी है सुनाने लग जाता हूँ आप लोगों को। क्या बता रहा था मैं,
तो मेरे जहन में वैसे ही आया, चलो यार एमसीएससी देखूं, क्योंकि मैं अपनी वो कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था, तो उसमें मेरी एमसीएससी की जो मैंने 1999 में की थी उसकी वो सर्टिफिकेशन नज़र आई सामने। तो मेरे ख्याल में आया, मैं क्या, चलो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ज़रा रिसर्च करता हूँ, तो वो एमसीएससी का एमसीआईटीपी बन गया। और मेरे जहन में एक हल्की सी आई, यार लड़के कह रहे हैं तो वाई डोंट आई आई गिव इट अ ट्राई, ठीक है, तो देखते हैं, शायद अनकरीब मैं शुरू कर दूँ और शायद ना कर सकूँ, मगर जो कुछ भी होगा वो जून के बाद ही होगा, ठीक है, क्योंकि यकम जून तक मेरी कोई कमिटमेंट है, उसके बाद ही मैं कुछ प्लान आउट कर सकूँगा, ठीक है, यकम से 15 जून के बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूँगा कि हम लोग एमसीआईटीपी शुरू कर रहे हैं। तो उस वक्त से पहले पहले मेरी कोशिश है कि मैं ये सीसीएनए फारिग कर दूँ, ठीक है। तो गुड न्यूज़, हम एमसीएससी पढ़ने लगे हैं, वाकई एमसीएससी पढ़ने लगे या नहीं ये मैं आखिरी लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्या पता मैं सीसीएनए करा के भाग जाऊंगा, ये भी हो जाऊँ, ठीक है। तो बहरहाल हम क्या पढ़ रहे थे, माई पी सी बूट सो फास्ट देन 30 सेकेंड्स। तो इस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कमांड है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। मैं इस इंटरफेस के ऊपर, ये जो भी इंटरफेस है, इंटरफेस से 10 है, इसके ऊपर स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट की कमांड दे देता हूँ। जिस तरह आप ये स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट की कमांड देते हो, ये वार्निंग देता है आपको, पोस्ट फास्ट शुड ओनली बी एनेबल्ड ऑन द पोर्ट कनेक्टेड टू द सिंगल होस्ट। यानी भाईजान, अगर आप पोर्ट फास्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस पोर्ट के ऊपर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डिसेबल कर रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर स्पैनिंग ट्री पोर्ट प्रोटोकॉल डिसेबल कर रहे हैं, तो आप इस पोर्ट के ऊपर ना कोई हब कनेक्ट करेंगे, ना कोई कंसनट्रेटर कनेक्ट करेंगे, ना कोई स्विच, ना कोई ब्रिज। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि मैंने ये यहाँ से एक पोर्ट थी और इसके ऊपर स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया और इसके आगे एक स्विच लगा दिया, ठीक है, और वो स्विच से केबल एक और यहाँ पर जा रही थी या कुछ कहीं और जा रही थी और वो नेटवर्क के अंदर लूप क्रिएट कर रहा था। इस पे तो स्पैनिंग ट्री चल ही नहीं रहा, इस पोर्ट के ऊपर, इस स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर स्पैनिंग ट्री चल ही नहीं रहा जब आपने स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट की कमांड कर दी, क्योंकि वो उस पर स्पैनिंग ट्री चलाता ही नहीं है। और स्पैनिंग ट्री चलाने का मतलब है उस पर बीपीडीयू नहीं फेंकता और उस पर लूप नहीं डिटेक्ट करता। जब उस पर लूप नहीं डिटेक्ट करता तो जो है वो पोर्ट को फ़ौरन अप कर देता है, उस पर ना वो 30 सेकेंड का डिले नहीं आता। जिस तरह की कोई चीज़ प्लग इन होती है वो पोर्ट डायरेक्ट अप हो जाती है। आपको मैं पैकेट ट्रेसर में दिखाऊंगा कि अगर मैं स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट लगा देता हूँ और वो पोर्ट को जब हम शट डाउन और नो शट करेंगे ना, तो पोर्ट फ़ौरन अप हो जाएगी, ठीक है। तो पोर्ट फास्ट हैज़ बीन कन्फिगर्ड ऑन FE0/E, मैंने अपने एक स्विच पे करके देखी, बट विल ओनली हैव एन इफेक्ट व्हेन द इंटरफेस इज इन नॉन ट्रंकिंग मोड, सो यूज़ विद कॉशन, ठीक है, कि भाई इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना है। अगर आपने गलती से किसी पोर्ट को स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कर दी है तो, और उसमें किसी ने आके हब या स्विच लगा दिया, तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। अगर नेटवर्क में लूप हुआ तो कभी भी स्पैनिंग ट्री उस लूप को ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि उस पोर्ट के ऊपर स्पैनिंग ट्री चल नहीं रहा होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। डिस्ट्रक्टिव मैनर में आपको बताऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगी कि आप एक स्विच लें, ठीक है, और उसके एक पोर्ट के ऊपर स्पैनिंग ट्री नो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कर दें, ठीक है, उसको अपने स्विच में लगाएं और फिर इधर से ये दोबारा कर दें, और दो चारों के चार पोर्ट पे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कर दें और देखें ज़रा क्या होता है, ठीक है। आप लोग मुझे बताना डिस्को हुआ या नहीं, ठीक है। तो जनाबे वाला, एक प्रॉब्लम ये है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर मैं चाहता हूँ मेरी पोर्ट अप हो जाए जिस पे मेरे कंप्यूटर लगे हुए हैं, क्योंकि उन पोर्ट्स के ऊपर कभी भी लूप नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे एक पीसी लगा हुआ है, यहाँ पे एक पीसी लगा हुआ है, यहाँ पे एक पीसी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन इनके लूप नहीं आएगा, क्योंकि क्या ये लूप बना सकता है, कभी नहीं बना सकता। ये तो पीसी है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कनेक्ट हुआ वो लेयर टू की डिवाइस से, ठीक हो गया। तो इतना गंद स्लाइड में मचाने के बाद आगे चलते हैं। एक और मसला, माई अपलिंक पोर्ट 50 सेकेंड्स इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये मैंने आपको आंसर दे दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दो। मैंने कहा कि मेरा नेटवर्क जो है वो कन्वर्जेंस के ही मैं वर्ड टर्म यूज़ करता हूँ, कि ये मेरी ब्लॉक पोर्ट है। जब मेरा नेटवर्क ये डाउन होता है तो आपको बताया था मैंने, कितने टाइमर होता है, 20 सेकेंड ब्लॉकिंग का, 15 सेकेंड लिसनिंग का और 15 सेकेंड लर्निंग का। तो ये 50 सेकेंड वेट करने के बाद, 50 सेकेंड टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, और इतनी देर में आपका जो है ना वो फेस ऐसा हो जाता है, ठीक है, बल्कि अगर ताहा के सेंस में बनाऊं तो, अगर शुक्र यहाँ ताहा खड़ा नहीं हुआ, वरना उसने कोई 1 घंटा लगाना था हमें समझाने में, तो आपका फेस कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है, द एंग्री फेस मैन, ओके। तो जब 50 सेकेंड आपको वेट करना पड़ता है, आप उर्दू आईटी एकेडमी का लेक्चर सुन रहे हैं और 50 सेकेंड के लिए यूट्यूब आपको रोक दे, तो आपका फेस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हमें स्पैनिंग ट्री की जगह कुछ और चाहिए, तो उसके लिए रैपिड स्पैनिंग ट्री इज आंसर, ठीक है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। रैपिड स्पैनिंग ट्री को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और प्रोटोकॉल पढ़ा देता हूँ, PVST या PVST प्लस, परविलियन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल स्पैनिंग ट्री, आप इस टर्म को भूल जाओ, ठीक है, इस वर्डिंग को भूल जाओ,
इसको इसका जिक्र नहीं अभी हम कर रहे हैं। नॉर्मल स्पैनिंग ट्री जो आपने पढ़ा है वो क्या है? ये मेरा रूट ब्रिज है, ये मेरी रूट पोर्ट है और ये मेरी रूट पोर्ट है, ठीक है, और ये मेरी ब्लॉक पोर्ट है, ठीक है, जिसे हमने डेजिग्नेटेड कह दिया या ब्लॉक पोर्ट कह दिया। ये सारी की सारी नेटवर्क का डिज़ाइन आपकी VLAN 20 के लिए है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने कहा अब मैं VLAN 10 भी चला रहा हूँ, ठीक है, और आपने VLAN 10 के लिए एक और इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री चलाया। पहले एक इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री ये चल रहा है, एक और इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री चलाया और उसमें कहा भैया अब मैंने रूट स्विच इसे नहीं बनाना, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी VLAN 10 की ट्रैफिक के लिए रूट स्विच ये हो और ये रूट पोर्ट हो और ये भी रूट पोर्ट हो मगर ये ब्लॉक पोर्ट हो। अब इसको ज़रा कलर कम्बिनेशन में समझने की कोशिश करें, इसका फ़ायदा क्या हुआ। पहले मैं आपको फ़ायदा समझाता हूँ। जब आप ये ब्लू डायग्राम में थे तो आप इस लिंक को कभी भी यूज़ नहीं कर रहे थे। जब आपके पास ऑलरेडी लिंक है तो आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, तो आप यूज़ किस तरह करते हैं कि आपके पास लाइक 100 VLANs है, ठीक है, आप 50 VLANs के लिए इस स्विच को रूट बना दो और 50 VLANs के लिए इस स्विच को रूट बना दो, तो 50 VLANs की ट्रैफिक इस लिंक से जा रही होगी, 50 VLANs की ट्रैफिक इस लिंक से जा रही होगी, बजाय इसके कि 100 की 100 VLANs की ट्रैफिक यहाँ से जा रही हो तो ये लिंक कंजेस्टेड हो जाएगा। इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल क्या देता हूँ, जो लोग सरगोधा के हैं वो समझ जाएंगे। मेरे ख्याल में ट्रकों को अगर सिटी से क्रॉस करवाना होता तो वो सिटी के अंदर नहीं आते, सिटी के ऊपर से जा रहे होते, क्योंकि हमारे पास एक सेपरेट सड़क है तो हम सिटी के बाहर से ही ट्रकों को ले जाएं। वो एक मेन जो सिटी सेंटर या सिटी हॉल वाली जो मेन सड़क है जहाँ पे सब गाड़ियाँ चाड़ियाँ और लोग होते हैं, क्राउडेड होता है, वहाँ से कभी हम ट्रक को नहीं गुजारते, ट्रक को हम ऊपर से गुजारते हैं, ठीक है, यानी बारो बार इस सिटी के बाहर से ही ले जाते हैं, ठीक है, उसे सिटी के अंदर नहीं लाने देते। तो सॉर्ट ऑफ इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हमारे पास एक इंटरफेस था, ठीक है, ये वाला इंटरफेस है, इस इंटरफेस से हम 100 की 100 VLANs की ट्रैफिक गुजारें तो बेचारा कंजेस्टेड हो जाएगा और ये इस VLAN के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मज़े कर रहा है, ठीक है, तो ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। तो हम कहते हैं 50 50 VLANs के लिए ये वाली ट्रैफिक और 50 VLANs के लिए यहाँ से ट्रैफिक जाए। उसका सोल्यूशन क्या है कि 50 VLANs के लिए रूट ब्रिज ये होगा और 50 VLAN के लिए रूट ब्रिज ये होगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट था पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, हर VLAN के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होगा, ठीक है, जैसा VLAN 1 है, VLAN 2 है, VLAN 3 4 5 6 7 8, फिर आप उसमें बताओगे अच्छा जी इस VLAN के लिए VLAN 1 के लिए ये रूट स्विच है, VLAN 2 के लिए ये रूट स्विच है, VLAN 3 के लिए ये रूट स्विच है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। नॉर्मली अगर आपके पास दो बड़े बॉक्सेज होते हैं लाइक 2 6500 तो आप जो से 100 VLANs इसके लिए इसे रूट बना दो, 100 VLANs के लिए इसे रूट बना दो, अब होगा क्या, ठीक है, से मेरे पास ये एक स्विच है, ठीक है, एक स्विच ये है, ठीक है, थोड़ा बड़ा नेटवर्क बना देता हूँ, ठीक है, तो ये इसके लिए प्राइमरी राउट होगा और बाकी के लिए प्राइमरी राउट सॉर्ट ऑफ मैं कहता हूँ ये होगा, ठीक हो गया। तो 50 VLANs की या 100 VLANs की ट्रैफिक इस स्विच से जा रही होगी, 50 100 VLANs की ट्रैफिक इधर से जा रही होगी, सो दैट्स द वे हाउ पर VLAN स्पेनिंग ट्री वर्क्स, ठीक है। अब हम आते हैं वो हमारी 50 सेकेंड की स्टोरी, ठीक है, विच इज़ रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये 802.1W का स्टैंडर्ड है और इसके अंदर जो से हैं पोर्ट के तीन स्पेसिफिक रोल हैं, जिनमें से एक जो ब्लॉक पोर्ट जिसे हम अल्टरनेट पोर्ट वगैरह कहते हैं उसे बैकअप पोर्ट बना देता है, ठीक है। होता क्या है कि वही ट्रायंगुलर डायग्राम, ठीक है, और ये पोर्ट ब्लॉक कर देता था हमारा स्पेनिंग ट्री। रैपिड स्पेनिंग ट्री क्या करता है, इसको बैकअप पोर्ट मार्क कर देता है, ठीक है, बैकअप पोर्ट जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट पोर्ट, ठीक है, इसको अल्टरनेट पोर्ट मार्क कर देता है और इसको अपनी मेमोरी में रखता है। जिस तरह ये लिंक डाउन होता है तो वो सिर्फ ट्रैफिक उठाता है, यहाँ से भेज देता है, कोई 50 सेकंड का टाइमर कुछ वेट नहीं करता और ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत रिसेंटली डेवलप हुआ रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, बल्कि इसके अंदर एक और फ्लेवर है पर VLAN रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आप समझ रहे होंगे पर VLAN रैपिड स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है कि हर VLAN के साथ, ठीक है, और ये जो है स्टैंडर्ड रिसेंटली 2007 में डेवलप हुआ, अभी ये बहुत सारे नेटवर्क्स में यूज़ हो रहा है और बहुत सारे नेटवर्क है जो इसे नहीं यूज़ कर रहे। दैट डिपेंड्स, दैट्स ऑन देयर रिक्वायरमेंट कि किसकी मर्जी है वो यूज़ करे, किसकी मर्जी है क्यों ना यूज़ करे, ठीक है, हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मेरी कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है कि जी उनका जो नेटवर्क टेक्नीशियन है, जो कि मैं उनका नेटवर्क टेक्नीशियन हूँ, तो उसे रैपिड स्पैनिंग ट्री नहीं आता, इसलिए उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक हो गया। तो हर हर कंपनी की अपनी रीजंस है, ठीक है।
तो ये एक रीज़न हो सकती है, ठीक है, ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये वाकई रीज़न है, ठीक है, ये तो मैं वैसे ही आपको पढ़ा देता हूँ। तो जनाबे वाला, तो अब हमने ये देखना है कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो कन्वर्ज कितनी जल्दी होता है, ठीक है, कि कन्वर्जन से मुराद कि अगर मेरा ये प्राइमरी लिंक डाउन हो जाए तो ये कितनी जल्दी ट्रैफिक इस राउट से ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा, क्योंकि रैपिड स्पैनिंग ट्री जो है वो फॉरगेट नहीं करता, भूलता नहीं है अपने बैकअप राउट्स के बारे में, और ना उसे ब्लॉकिंग करता है, ब्लॉकिंग लिसनिंग और फॉरवर्डिंग स्टेट में करता है, स्ट्रेट अवे उस पर फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप में से जो ई आई जी आर पी जानते हो तो सॉर्ट ऑफ ई आई जी आर पी की तरह की फंक्शनैलिटी है, ठीक है, 2007 में डेवलप हुआ और अब बहुत सारे नेटवर्क्स में यूज़ हो रहा है, मगर ये भी थोड़ा सा डिले ले आता है नेटवर्क में, एक आधा टाइम आउट आपको यहाँ पे इस पे रैपिड स्पैनिंग ट्री के साथ नज़र आएगा। और स्पैनिंग ट्री के अंदर कुछ और भी लिमिटेशंस हैं, उससे एडवांस अभी स्टैंडर्ड की जो बात की जा रही है, अभी वो उसका स्टैंडर्ड लिखा गया है और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है इस वेरी रेयर, इसकी अभी दैट इज़ कॉल्ड ट्रिल, TRIL, ट्रिल, आप सिर्फ गूगल करना, यू विल फाइंड एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मैंने काम नहीं किया और CCNA ने अभी इंक्लूड नहीं किया, और कब इसको करेगी, 10 साल बाद, ठीक है, जब तक आप लोग CCI हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आगे चलते हैं। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर तीन किस्म की पोर्ट टाइप होती है, एक रूट पोर्ट होती है, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है, और एक अल्टरनेट पोर्ट होती है। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, अगर मेरा ये रूट ब्रिज है, ठीक है, ये रूट ब्रिज है और ये मेरी रूट पोर्ट है, ठीक है, और ये भी मेरी रूट पोर्ट है, ठीक है, और ये जो सी है ये मेरी क्या होगी, अल्टरनेट पोर्ट होगी, ठीक है, जैसे ये लिंक बंद होगा तो ट्रैफिक फ़ौरन यहाँ से जाने शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, गुड बाय करने से पहले अब मैं डिस्कार्ड करके और आपको अब मैं टोपोलॉजी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हमारी वही स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, ठीक है। पहले मैं इस पोर्ट के ऊपर, जो ये पोर्ट नंबर FA0/10 और FA0/10 स्विच 1 और स्विच 2 के ऊपर स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो स्विच 1 ये है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँ और इनेबल कॉन्फ़िग ट्री इंटरफेस FA0/10 स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ठीक है। देखो उसने मुझे वार्निंग दी है कि पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी इनेबल ऑन द पोर्ट कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट, कि अगर उस पोर्ट के ऊपर होस्ट कनेक्टेड है तो फिर आपने करना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जादू जिसे कहते हैं, ठीक है, अब देखना मैं इंटरफेस को शट करूँगा और आपने यहाँ पे देखना है कि क्या हो रहा होता है, ठीक है, बल्कि मैं इस इंटरफेस से पिंग भी चलाता हूँ, ठीक है, ये पिंग भी चल रहा है, ठीक है, जिस तरह ये पिंग ब्लॉक होगा तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। मसला ये पिंग मैं आपको एक ही विंडो पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम भी दिखानी है, तो लेट मी एडजस्ट इट, ठीक हो गया, सारा कुछ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, इंटरफेस FA0/1 शट एंड देन नो शट, आपने देखा, यहाँ पे देखा कितनी स्पीड से ये फ़ौरन वापस आ गया और सिर्फ एक टाइम आउट आया। अगर मैं ये नो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट होता तो क्या होना था, कि ये जो सा है ये फिर दोबारा 30 सेकंड के टाइमर के हिसाब से दोबारा टाइम आउट रहता, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं जाता हूँ स्विच नंबर 2 के अंदर, और इसका भी आई थिंक पोर्ट नंबर FA0/2 है, 10 है, तो इसको भी कर देते हैं कॉन्फ़िगर, ठीक है, पोर्ट फास्ट में, क्योंकि अगर पोर्ट फास्ट नहीं होगा तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं चलेगा, ठीक है, नेबल, उसकी वजह क्या है मैं दोबारा समझाता हूँ, उसके में एक रीज़न है, इंटरफेस FA0/10 स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब हमारा नेटवर्क वही पुराने वाला था जो था, ये अभी इस टाइम वही वाला नेटवर्क है, ये मेन लिंक्स है और ये जो है आपका अल्टरनेट पोर्ट या ब्लॉक पोर्ट है आपकी, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसके साथ ये करना है कि किधर की डायग्राम, कि इन तमाम के ऊपर एक कमांड रन करनी है विच इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री मोड। स्पैनिंग ट्री का ऑपरेशन मोड क्या है, PVST, रैपिड PVST, मैंने कहा जी रैपिड PVST कहते हैं, ठीक है, रैपिड पर वीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, हर वीलन का सेपरेट इंस्टेंस चल रहा होगा और हमें पता है हमने स्विच 1 पहले से ही रूट बनाया हुआ है, तो मैं तमाम स्विचेस के ऊपर पहले ये कमांड चला देता हूँ, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST, ठीक है, इसके ऊपर भी चला दें,
स्पैनिंग ट्री मोन पर वीलेन रैपिड पीवीएसटी, ठीक हो गया। अब हम सब पे शो वीलेन की एक दफ़ा कमांड चला के देखें, शो वीलेन शो स्पैनिंग ट्री की, सॉरी अभी तक मैं वीलेन में फंसा हूँ, ठीक है। ये देखो स्पैनिंग ट्री एनेबल प्रोटोकॉल रैपिड परवीलेंस रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ब्रिज इज अ रूट पोर्ट और ये सारी पोर्ट्स उसकी डेजिग्नेटेड होती हैं, ठीक है। ये स्विच वन है। अब मैं स्विच टू में जाता हूँ और स्विच टू की जो सा है डू शो स्पैनिंग ट्री, और देखो ये रूट है और दो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं, ठीक है, यानी ये दो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये दो को डेजिग्नेटेड कर रहा है और ये इसको रूट कर रहा है। और स्विच नंबर थ्री की डू शो स्पैनिंग ट्री, ये देखो अल्टरनेट पोर्ट है, ठीक है, ये आपकी अल्टरनेट पोर्ट है। आपकी डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, उसी तरह की डायग्राम है जिस तरह की पहले थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करते हैं कि इस इंटरफेस को ब्लॉक करते हैं, और इस इंटरफेस को ब्लॉक करके जब हमने लास्ट टाइम किया था तो हमें 30 सेकंड से 50 सेकंड का डाउन टाइम आया था। इसमें अब हम देखते हैं हमारे पास डाउन टाइम कितना आता है, ठीक है। मैं डायग्राम यहाँ आपके सामने रखता हूँ, ये पिंग चल रहा है और मैंने स्विच नंबर वन का FA0/2 डाउन करना है, ठीक है, और स्विच नंबर थ्री की ये शो स्पैनिंग ट्री भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो चलो डू स्पैनिंग ट्री नज़र आ रही है आपको, ठीक है, एक रूटर और एक अल्टरनेट ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया स्विच वन पे, मैंने कॉन्फिग टी किया, इंटरफेस FA0/2 किया और हेयर वी गो, शट डाउन हुआ। और आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे, डिड यू सी दैट वन, और टाइम आउट देखो कितना आ रहा है, कम ऑन, ठीक है। तो ये दो टाइम आउट आए हैं, नॉर्मल प्रैक्टिकल एनवायरमेंट्स में दो टाइम आउट भी नहीं आते, वोला आउटस्टैंडिंग, आई लव इट, डोंट यू? अगर आप नहीं करते तो आपको समझ नहीं आई, दोबारा लेक्चर रिवाइंड करके देखो, मगर बादाम ज़रूर खाना साथ साथ, ठीक है। आपने देखा कि ये इंटरफेस जो से ये ब्लॉक जिस तरह मैंने डाउन किया उसने फ़ौरन उसको जो सा है रूट कर दिया और उसको डेजिग्नेटेड पोर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा वापस लेकर आता हूँ, हम देखते हैं कितना टाइम आउट आता है, नो शट। अब ये डायग्राम देखो, ये देख रहे हो आप कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, हाउ स्पीडी इट इज मूविंग, और आपको देखो टाइम आउट भी नहीं आया, वैसे आता नहीं है टाइम आउट, ये मेरे ख्याल में पैकेट रजिस्टर दिखा रहा है, और अगर आया भी है तो एक टाइम आउट है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो एक टाइम आउट के साथ गुजारा भी कर रही होती हैं, समझ आइए आपको। अगर नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर आई है फिर तो उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आई तो सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों को ये है कि आप दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए वेबसाइट के ऊपर। आपने अगर लैब डाउनलोड करनी है तो आप कभी भी urdu.itacademy.com पे जाएं और आपको लैब मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो इसको दोबारा समराइज करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। हमने रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कन्फिगर किया, सिर्फ एक कमांड थी रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अच्छा एक बात बताता चलो, ये मैंने इंटरफेस लाजमी क्यों है रैपिड स्पैनिंग ट्री करने के लिए, कि जब स्पैनिंग ट्री दोबारा कन्वर्ज होता है तो ये पोर्ट फिर लर्निंग और वो सारे स्टेजेस से गुजरती है, यहाँ से स्पैनिंग ट्री क्लियर हो चुका होता है मगर यहाँ पोर्ट अभी दोबारा शट होकर आप हो रही होती है, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर पोर्ट फास्ट आपको इनेबल करना पड़ता है दोनों इंटरफेसिस पे, तमाम एक्सेस पोर्ट्स पे पोर्ट फास्ट इनेबल होगा ताकि स्पैनिंग ट्री जो है वो सिर्फ इन पोर्ट्स पे कन्वर्ज हो रहा हो, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो आपको, ये आपके लिए स्ट्रेट हो, ठीक हो गया। तो हमने जी सिर्फ स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड स्पैनिंग ट्री किया और ये जो से हैं तमाम अल्टरनेट पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसने पास अपने पास सेव की, उसको ना ब्लॉकिंग स्टेट में लेके गया ना लिसनिंग ना लर्निंग, और स्ट्रेट अवे उसने जो से उस इंटरफेस को अप कर दिया, जिस तरह ये लिंक डाउन हुआ और जिस तरह ये डाउन हुआ ये लिंक अप हुआ, और हमने देखा कि हमें सिर्फ एक टाइम आउट या दो टाइम आउट्स मिलते हैं, जबकि पिछले लेक्चर के अंदर आप दोबारा पिछला लेक्चर रिकॉर्ड खोल के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने टाइम आउट्स हैं। डोंट यू लव इट, मेरे एक दफ़ा दोबारा करने को दिल कर रहा है, ठीक है। ये देखना LEDs देखिएगा, ठीक है, आई लाइक इट, ठीक है। सो शट, ठीक है, वो देखिए आप कितनी स्पीड से है। अच्छा दोबारा देखना, नो शट, सी द स्पीड, आई लाइक इट, आई लव इट, देख रहे हो, दोबारा करेंगे दफा, शट और नो शट, ठीक है, आप देख रहे स्पीड, आई लाइक द स्पीड, ठीक है। तो ज़माना जो है वो स्पीड का है, और तो जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड से पढ़ा करें, ठीक है। स्पैनिंग ट्री को कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड है स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड
डैश PVST, ठीक है, रैपिड PVST प्रोटोकॉल कन्फिगर हो जाएगा। ये पर वीलेंस पेनिट्री प्रोटोकॉल, अगर आपके पास स्विच के ऊपर मल्टीपल वीलेंस हैं तो ये क्या करेगा, आपको डू शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, ये वीलन वन के लिए स्पैनिंग ट्री चल रहा है तो वो वीलन टू के लिए भी चलाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये वीलन टू कन्फिगर हुई है, मगर उसके ऊपर कोई इंटरफेसिस उसका पार्ट नहीं है। अगर इंटरफेसिस हो तो यू कैन सी मल्टीपल वीलेंस, और अगर आपने मल्टीपल स्विचेस को मल्टीपल वीलेंस का रूट बनाना है तो किस तरह बनाते हैं, आपने पहले भी कमांड देखी हुई है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। स्पैनिंग ट्री या स्पैनिंग ट्री वीलन, ठीक है, टू, ठीक है, प्रायोरिटी वीलन टू की प्रायोरिटी, यानी अब स्पैनिंग ट्री का वीलन टू का जो इंस्टेंस है उसकी, ठीक है, से मैंने कहा वीलन टू के लिए भी इसे ही रूट बना दो, ठीक है, रूट प्राइमरी, ठीक है, अभी वीलन टू कन्फिगर नहीं हुई तमाम स्विचेज में, तमाम स्विचेज में कन्फिगर होगी, उसके अंदर पोर्ट्स वगैरह होंगे तो फिर यही सारा काम करेगा, ठीक हो गया। तो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्पैनिंग ट्री पढ़ा कि अगर नेटवर्क के अंदर लूप्स होते हैं तो उन लूप्स को अवॉइड करने के लिए हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है विच इज़ 802.1D जो है वो स्लो है, वो बहुत पुराने नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता था, अब नए नेटवर्क्स के लिए वो काम नहीं करता, तो नए नेटवर्क्स के लिए लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो है जो 802.1W है विच इज़ रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपका नेटवर्क की कन्वर्जेंस फास्टर कर देता है, यू कैन इवन सी वन और टू टाइम आउट्स, ठीक है। इसके साथ और एडिशनल कमांड्स हैं BPDU गार्ड और टाइमर सेटअप्स की, वो उसका आपको आप अभी CCNA लेवल पे आपको उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और डिबग स्पैनिंग ट्री की कमांड है, आप अगर बुक देखोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं आपको वो चीज़ पढ़ाना अभी नहीं चाहता, गो कि मैं बड़ा अटेम्प्टेड था वो पढ़ाने के लिए, मगर मेरा बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी CCNA की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आई डिड डोंट वांट टू टच इट, क्योंकि स्पैनिंग ट्री इटसेल्फ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए आपने देखा कमांड्स कितनी है, एक या दो कमांड्स है, स्पैनिंग ट्री वीलन प्रायोरिटी वीलन वन प्रायोरिटी स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट और स्पैनिंग ट्री मोड RSTP, दैट्स इट, लिटरली बिलीव मी इतनी कमांड, स्पैनिंग ट्री खुद ब खुद चलता है, इसलिए आप जल्दी भूल जाते हो, ठीक हो गया। तो खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और पढ़ते रहिएगा और पढ़ाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।